हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हाइपर राइडर ऑटोमोबाइल यूट्यूब चैनल में। और आज आपके लिए लेके आए हैं तबंग कार, जो कि अपने नाम से ही जानी जाती है, स्कॉर्पियो, जिसे दबंगों की गाड़ी बोलते हैं। तो भाई वीडियो में आएगा मज़ा, पूरी देखना और कमेंट करके बताना कि कैसी लगी, और कहीं भी अगर कुछ छूट गया हो, गलती हुई हो, तो वो भी हम कमेंट में लिख के ज़रूर बता देना। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाई इसके फ्रंट से। तो फ्रंट से मैंने आपको लुक दिखाई दिया, इसकी हेडलाइट की बात करते हैं। तो यहाँ हमें DRL देखने को मिलता है, और मैं बता दूँ ये S10 वेरिएंट है स्कॉर्पियो का। टॉप क्लासिक अभी मेरे पास आई नहीं है, क्लासिक जैसी आएगी मैं वो दिखाऊंगा, और स्कॉर्पियो N जैसे मुझे मिलेगी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। आज मेरे पास ये अवेलेबल थी, तो मैंने आपको इसका रिव्यू देना चालू कर दिया। तो ये देखो प्रोजेक्टर लाइट लो बीम जो हमें हेलोजन में ही है, नॉर्मल बल्ब बेस है जो वो हाई बीम इसकी हेलोजन में ही है। साथ में नीचे की तरफ हमें इंडिकेटर, और ये महिंद्रा की जानी जाने वाली 6 लेट की ग्रिल, जो कि क्रोम फिनिशिंग इसके ऊपर है। महिंद्रा का बीच में पुराने वाला लोगो, अब नया लग चुका है। वहीं इसकी भाई इसकी बोल्डनेस देखो, कितनी ऊंची ऊंची किसी उभरी उभरी गाड़ी लगती है, इसे देख के ही प्यार हो जाए भाई। नीचे देखो ये, इसके अंदर हमें दोनों ही फोग लैंप कंपनी फिटेड मिलते हैं। ये नंबर प्लेट की जगह यहाँ पर आपको ग्रिल देखने को मिलती है, और नीचे देखो एक सिल्वर कलर की स्किड प्लेट भी हमें इसमें दी गई है। वहीं इसकी चौड़ाई की बात करूं, 1820 mm की इसमें हमें चौड़ाई देखने को मिलती है। तो आप सोच सकते हैं कितनी ही चौड़ी कार ये होगी। वहीं अब हम बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की। तो साइड प्रोफाइल में आते हैं इसके बड़े बड़े अलॉय व्हील, जो कि कंपनी लगा के देखी थी, क्या प्यारे अलॉय व्हील लगते हैं। और ये इसी तरह के अलॉय व्हील अभी भी जो नई S11 क्लासिक हमारी आई स्कॉर्पियो, उसमें भी इसी तरह के, और यही वाले थार में भी यूज़ होते हैं, आपने कई जगह देखे होंगे। अब मैं आपको ज़रा इसका व्हील साइज़ बता दूं, तो ये देखिए इसमें हमें मिलता है 235x65R17। तो 17 इंच के इसमें हमें ये बड़े बड़े अलॉय व्हील देखने को मिलते हैं। वही फेंडर पे देखें तो यहाँ पे इंडिकेटर और एम हॉक की बैजिंग, जो कि इसके इंजन को पावर देता है, और पावर्ड बाय एम हॉक, तो एम हॉक की बैजिंग इसमें हमें देखने को मिलती है। साइड मिरर देखो दोस्तों, कितना बड़ा साइड मिरर है, शायद मैंने अभी तक इसी गाड़ी में इतना बड़ा देखा, और किसी में है भी नहीं, और ये गाड़ी भी इतनी बड़ी है। लेंथ की बात करें तो 4.5 मीटर के आसपास है। अभी मैं आपको इसको फ्रेम में लेके इसकी लेंथ बताता हूँ। तो ये देखो दोस्तों, पूरी फ्रेम में आने के बाद कुछ इस तरीके की देखने को हमें मिलती है, और 4456 mm की इसकी पूरी आगे से पीछे तक पूरी लंबाई है। और व्हील बेस की बात करें तो सोचो कितना ही होगा, 2680 mm के आसपास इसका व्हील बेस है। तो भाई काफ़ी लंबी और काफ़ी हैवी गाड़ी हमें देखने को ही मिलती है। वहीं इसका रूफ़ देखो, आगे से थोड़ा नीचे और पीछे से उठती हुई, भाई इसकी अलग ही पहचान है। ऊपर रूफ रेल ब्लैक कलर में कंपनी ने प्रोवाइड की है, और ये बारिश को अंदर आने से रोकने के लिए एसेसरी के तौर पर इस पर ये भी लगे हुए हैं साइड में। और ग्लास देखो भाई कितने बड़े बड़े हैं, 3-3 ग्लास इसमें लगे हैं। डोर हैंडल की बात करें तो प्रॉपर बॉडी कलर डोर हैंडल इसमें देखने को मिलते हैं। पिलर ए बॉडी कलर, बी सी ब्लैक कलर, और डी पिलर हमें वही बॉडी कलर देखने को मिलता है। वहीं नीचे की तरफ देखो भाई, स्कॉर्पियो की 3D में कितनी बड़ी बड़ी बैजिंग कर रखी है, तो भाई करनी बनती भी है कंपनी की। और ये देखो फुटरेस्ट, ये चढ़ने के लिए स्पेशल लगाया गया, तो आप देख सकते हैं कितनी ही ऊंची गाड़ी होगी ये, जो कि आपको चढ़ने के लिए ये दिया है। यहाँ से आप इसमें डीजल डलवा सकते हैं, और डीजल कैपेसिटी की बात करें तो 60 लीटर की कैपेसिटी है भाई इसमें डीजल डलवाने की। और माइलेज की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है 15.5 की माइलेज। सिटी के अंदर तो भाई देखो इसे कोई चलाता ही नहीं, कम ही चलती है, वैसे सिटी के अंदर आपको 10-11 की दे देगी, और हाईवे पे 14 तक की माइलेज निकाल ही देगी, ये पक्की बात है। और पीछे से देखो भाई कितनी ही ऊंची गाड़ी है भाई, कई गाड़ियों की इतनी चौड़ाई नहीं होती जितनी इसकी ऊंचाई है। अगर मारुति ब्रेजा है, अगर जैसे वो सामने खड़ी है, अगर आप उसको टेढ़ी करके भी खड़ी कर दें तो उसकी चौड़ाई से ज़्यादा लंबाई है। तो इस तरीके की हमें देखने को मिलती है। तो अब पहले इसकी विंडशील्ड से ही बात करते हैं। तो ये देखो इसके ऊपर हमें डिफोगर, साथ में वाइपर दोनों देखने को मिलते हैं, और ऊपर की तरफ देखो स्पॉइलर भी कंपनी ने प्रोवाइड किया है। नीचे महिंद्रा का पुराना लोगो, बीच में ब्लैक कलर की थोड़ी सी ये कारीगरी,
और नंबर प्लेट, वहीं इस साइड महिंद्रा का 3D में लोगो, ये पीछे वाला हुड ओपन करने के लिए, जिसको आप इजीली ओपन कर सकते शायद यहाँ से हो तो, मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये देखो दोस्तों, इस तरीके से इसका पीछे से ये हुड ओपन हो जाता है। और आज भी नई वाली में भी ऐसी लैंड रोवर, पुरानी में भी ऐसे ही हमें देखने को ये मिलता है। और वहीं भाई बूट स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाएगा अगर इनको डाउन नहीं किया, और अगर इन्हें डाउन करते हो तो भाई दो आदमी हो गए, पैर आपस में ऐसे भिड़ेंगे। और साइड फेसिंग ये सीट है तो आप देख सकते हो। और ये देखो दोस्तों, पुल टू ओपन, जो आप ये खोल सकते हो, ये आज भी उसमें हमें नई स्कॉर्पियो में दिए हैं। तो भाई प्रॉपर बनाई हुई है, ऐसी हुई है ये, कोई बोल नहीं सकता इसको। पीछे देखो कितना बड़ा स्कॉर्पियो का बम्पर गार्ड, ये पीछे स्पीकर की स्लॉट देखो, ये खोलने के लिए हुक, बंद करने के लिए ग्रैब, और कितना स्टडी है। तो भाई स्कॉर्पियो ऐसे नहीं तो बंगोई गाड़ी मानी जाती। इसे कर दिया बंद, और थर्ड सुनो यार, हल्की सी बंद करिए, थर्ड कितना अच्छा देती है। और इस साइड में स्कॉर्पियो S10 की 3D में ब्रांडिंग, ये लाइट्स देखो, इसके अंदर भी स्कॉर्पियो की ब्रांडिंग, इस वाली में भी। और वहीं और दिखाऊं तो ये देखो, ये DRL है इसके चारों तरफ, हमेशा जलती रहती हैं, और जैसे ब्रेक दबाओगे तो ब्राइट हो जाएंगी। बीच में ये बैक लाइट, ऊपर की तरफ हमें इंडिकेटर, और नीचे की तरफ बैक लाइट, जब आप बैक करते हो तो वाइट कलर की जो लाइट इसमें जलती है। नीचे की तरफ देखो तो ये हमें दो साइड दे रखे हैं रिफ्लेक्टर, और सेंसर्स की बात करें तो 4 सेंसर विद कैमरा दे रखा है। ये देखो 1, 2, 3, 4 सेंसर, ये और बीच में कटआउट कैमरे का। और ये फुटस्टेप ऊपर से देखो, अब तो नई वाली में यहाँ पे क्लासिक में लाइट दे दी गई है, ये बीच में जो आती थी यहाँ हटा दी, जो इससे पुराना जनरेशन है उसमें वहाँ लाइट आती थी। तो ग्लास एरिया देखो भाई, क्या मस्त ग्लास एरिया इसमें देखने को मिलता है। ऐसे ही नहीं यार, लोग स्कॉर्पियो खरीदने के लिए इतनी लंबी वेटिंग में खड़े रहते हैं, और नई वाली पे तो और भी ज़्यादा, और S11 पे भी काफ़ी अच्छी है जो क्लासिक आई है। अब अंदर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसके अंदर से फीचर्स। तो ये खोला मैंने, सबसे पहले इसके आते सीट पे, तो ये देखो दोस्तों, हाइट एडजस्टेबल, क्या बात है, इतनी ऊंची गाड़ी और फिर हाइट एडजस्टिंग भी दे दी, अरे वाह महिंद्रा मौज कर दी। और अभी मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ कितनी आप हैवी पोजीशन पे बैठते हो। और ये देखो, चढ़ने के लिए हमें ये दिया है, और इस वाली में वो ग्रैब हैंडल मिसिंग है जो नई वाली में दिया है SUV लुक देने के लिए। तो आप यहाँ से इसको पकड़ो, इस पे पैर रखो, और बिल्कुल खड़े होके ऐसे अंदर की तरफ घुसो भाई, अलग ही फीलिंग आती है। ये पकड़ो और ये बंद, अरे डोर तो दिखाया ही नहीं, पहले डोर ट्रिम दिखा देता हूँ। ये देखो इसकी डोर ट्रिम, बीज कलर में पूरा इंटीरियर दिया है, ये एक पट्टी सी हमें सिल्वर की दे दी, ये फाइबर दिया है, सॉफ्ट टच बोल लो इसे, लेकिन ये कपड़ा सा लगा रखा है, कंपनी ने क्या किया यहाँ। ये डोर लॉक करने के लिए बटन, ये वो, अब ये देखो थर्ड, देखो भाई बोलते थे 0 स्टार है, आए भी थे, लेकिन थर्ड ही सुनो, थर्ड इसका कितना तगड़ा है। पकड़ने के लिए ग्रैब, चारों पावर विंडो, ये ऑटो अप ऑटो डाउन के साथ, ये चारों एक साइड लॉक करने के लिए। अब बात करते हैं इसके स्टेयरिंग की, सबसे पहले मीटर कंसोल दिखा देता हूँ। तो ये देखो दोस्तों, ये देखो एक पूरा स्वाइप लेगा, और मीटर कंसोल कुछ इस तरीके का, ये आप ब्लू कलर देख रहे हो दोनों में, इस तरीका देखने को मिलता है, काफ़ी मस्त और स्पोर्टी डिज़ाइन वाला है। RPM मीटर, यहाँ पर हमें स्पीडोमीटर, बीच में छोटी सी MID दी है, इसके अंदर ट्रिप ए ट्रिप बी, उस तरफ हमें फ्यूल इंडिकेटर दिया है, और इस तरफ इंजन टेम्परेचर, नीचे की तरफ ओडोमीटर, और जो दो बटन दिए सेट और मोड के, आप इनसे इन्हें चेंज कर सकते हैं। लाइट भी काफ़ी है, कम कूलेंट की लाइट है यहाँ पे। इसके नीचे हमें इंजन मॉल फंक्शन की, सीट बेल्ट वार्निंग की, एरर की, बैटरी की, तो सारी लाइट इसके अंदर कंपनी ने हमें प्रोवाइड कराई हैं। और ये देखो भाई स्टेयरिंग, काफ़ी अच्छा स्टेयरिंग, लेदर रैप नहीं है, ये शायद पुरानी गाड़ी उतर गया हो। ये देखो क्या मस्त सिल्वर की फिनिशिंग यहाँ कंपनी ने दी है, एयरबैग की ब्रांडिंग, हॉर्न, महिंद्रा का पुराने वाला लोगो। कंट्रोल देखो भाई,
क्रूज ऑफ, क्रूज कंट्रोल दिया था कंपनी ने इसमें, मैनुअल गाड़ी है, क्रूज कंट्रोल बढ़ाने घटाने के लिए, रीसेट, ओके, ये क्रूज कंट्रोल के, यहाँ देखो, फ़ोन काटना, फ़ोन उठाना, आवाज़ घटानी बढ़ानी, म्यूट करना, सोर्स, ये सारा, ये इंस्ट्रूमेंट इससे कनेक्ट था पूरा, यहाँ से हो जाता है। अब इसके ये देखो, ये मैं यहाँ पर वाइपर के पूरे कंट्रोल दिए गए हैं, इस साइड हमें लाइट के कंट्रोल दिए गए हैं, वहीं एसी वेंट, ये फोग जम जाए, ये एसी वेंट इसकी शील्ड के लिए, ये हो जाए ये इसके लिए, हवा कम ज़्यादा करने के लिए हमें ये प्रोवाइड किया है। वहीं ये देखो, हवा को बाहर भेजना, अंदर रखना, ये फ्यूल ओपन करने के लिए, ये लाइट की लेवलिंग के लिए, ये, और ये आपको नोब देखने को मिलता है भाई, जो साइड मिरर है उनको कंट्रोल करने के लिए, कुछ इस तरीके का। और डैशबोर्ड देखो यार इसका, कितना छोटा सा डैशबोर्ड दिया है, और बोनट एरिया, बाप रे, बोनट एरिया देखो भाई, और जहाँ से मैं बैठा हूँ मैं बिल्कुल इसको अपने मुँह के सामने रखता हूँ, तो ये देखो आपकी पोजिशनिंग देखो भाई कितनी तगड़ी दी है, सबसे ऊंचे बैठते हो आप, काफ़ी अच्छी कंपटीशन भाई, ये फॉर्चुनर को कंपटीशन ऐसे ही नहीं देती कम रेट में, ये देखो, और पूरा मैं बिल्कुल मुंह के सामने रखा हूँ, आप ये देख सकते हैं पूरा बोनट आपको विजिबल होता आगे तक, सामने टियागो खड़ी है, ये देखो कितनी नीचे आ रही है भाई, मेरे को इसकी छत दिख रही है इसमें बैठ के, तो कुछ इस तरीके की हमें देखने को मिलती है। वहीं अब हम बात करें इसके एसी वेंट की, तो दो एसी वेंट हमें यहाँ देखने को मिलते हैं ऊपर की तरफ, ये कुछ एरिया है यहाँ पर आप अपना सामान कुछ वो कोई फोटो रखते हैं तो रख सकते हैं, यहाँ स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए, और ये थोड़ा सा नीचे की तरफ दिया यार, ये समझ नहीं आया स्कॉर्पियो ने क्या किया, लगता अच्छा है ठीक है, लेकिन जैसे और गाड़ियों में ये ऊपर होता है तो हम आगे चलाते हुए इजीली से देख सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वहीं पे इसके अंदर हमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों देखने को मिलते हैं, यहाँ से आप आवाज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं सारी चीज़, CD, iPod, ब्लूटूथ, ऑक्स, हर चीज़ इसमें लगती है भाई, आप इसको देखो कितनी ही मस्त इसमें दे रखा है, डिस्क इन, वही मैंने आपको ये पूरा बता दिया, और यहाँ पर ये देखो CD का, तो भाई पुराना टच भी इसमें रखा है और नई फीलिंग भी, तो स्कॉर्पियो लोगों को ऐसी पसंद नहीं आती भाई। नीचे देखो ऑटोमेटिक AC देखने को मिलता है इसके S10 मॉडल में, टॉप मॉडल इससे एक ऊपर ही है, वहाँ या नीचे की तरफ देखें तो ये देखो, ये नीचे हैजार्ड स्विच, ये देखो स्टार्ट स्टॉप, ये क्या हमें दिया, आइडियल स्टार्ट स्टॉप कब दिया था भाई, तो मारुति बोल रहा हूँ, महिंद्रा काफ़ी अच्छा काम करती है अपने इस वर्किंग में। अब देखते हैं इसके गियर नॉब के बारे में, तो गियर नॉब देखो भाई नॉर्मल हमें मिलता है, 5 स्पीड का गियर नॉब हमें देखने को मिलता है। स्टोरेज की बात करें तो सामने ज़्यादा आपको स्टोरेज नहीं देखने को मिलती, स्टोरेज आपको यहाँ देखने को मिलेगी नीचे, और ये देखो दोनों के लिए अलग अलग आर्मरेस्ट दिया जिसे आप ऊपर कर सकते हो, ऊपर करने के बाद आप इसमें स्टोरेज देखो तो यहाँ पर बोतल भी रख सकते हो आप, बोतल होल्डर का है, ये कप होल्डर का है, ये आपकी स्टोरेज है, ये देखो हैंड ब्रेक इसका मैनुअल कंपनी ने प्रोवाइड किया है, और ये आर्मरेस्ट दोनों में लगे मिलते हैं, तो काफ़ी स्टर्डी आर्मरेस्ट है। स्पीकर ग्रिल दिखा रहा था, 4 स्पीकर इसमें हमें मिलते थे, एक इस साइड है, एक यहाँ नीचे है। वहीं डैशबोर्ड की जैसे मैं बात कर रहा था, काफ़ी प्लेन सा डैशबोर्ड है, यहाँ देखोगे यहाँ भी एयरबैग का आपको स्पॉट देखने को मिलेगा, तो ये 2 एयरबैग मैंने आपको दिखा दिए। वहीं इसके ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ इस पर हमें कुछ देखने को नहीं मिलता, वहीं यहाँ हम बात करें तो यहाँ सिर्फ हमें एक मिरर देखने को मिलता है जो कि कुछ इस तरीके का है, लाइट इसमें हमें देखने को नहीं मिलती। वहीं बात करें पीछे वाले मिरर की तो ये मैनुअली ऑटो डिमिंग हमें दे रखा है जो कि मैनुअली आता है, और ये आप देख सकते हैं ये हमें दिया फ़ोन पे, जैसे आप बात करते तो उसका कनेक्शन हमें यहाँ दिया है। ये एसी के वेंट मैंने आपको आगे से पूरा दिखा दिया है, हाँ पैडल दिखा रहा था, तो तीनों इसमें पैडल, क्योंकि ये मैनुअल है तो तीनों पैडल, और मैंने इसको अपनी सीटिंग के हिसाब से अरेंज कर लिया है। हाँ थाई सपोर्ट दिखाना था, तो थाई सपोर्ट देखो भाई फ्रंट वाली सीट में सिर्फ इतना सा गैप है, बस इतना सा, तो आप इजीली देख सकते हैं कितना अच्छा थाई सपोर्ट इसमें मेरे को देखने को मिलता है। तो अब उतर के अब हम चलते हैं इसके पीछे की तरफ, वहाँ आपको दिखाऊँगा कि कैसा मेरे को स्पेस सेकेंड रो में देखने को मिलता है। और स्कॉर्पियो की ब्रांडिंग तो मैं आपको बताना ही भूल गया,
क्या मस्त स्कॉर्पियो की ब्रांडिंग अंदर हर जगह है, बाहर भी, तो आपको कहीं भी ये महसूस नहीं होगा स्कॉर्पियो में नहीं बैठे हो। पहले तो गाड़ी का फील और ऊपर से ब्रांडिंग, हर चीज़ आपको प्रॉपर दिया महिंद्रा ने। अब चलते इसके पीछे वाले, तो ये देखो दोस्तों, ये भी वही जैसे क्लोथ सा, ये पीछे की तरफ भी हमें कुछ ऐसी, और चढ़ने के लिए हमें इसमें सेम वही, यहाँ हमें ग्रैब हैंडल दे दिया, तो इसको पकड़ के आप इजीली इसमें खड़े होके चढ़ सकते हैं। ये डोर हैंडल मैंने आपको दिखा दिया, डोर हैंडल ये पकड़ के बंद करने के लिए। तो मैं आ गया हूँ इसकी बैक वाली रूम में। तो अब देखो, सबसे पहले आपको नी रूम दिखाता हूँ, इतना नी रूम है भाई, 7 सीटर है, तो नी रूम काफ़ी अच्छा इसमें दिया है। लेग रूम भरपूर है, मेरे पैर तो अंदर जा भी नहीं रहे इतना है, लेग रूम इसमें काफ़ी अच्छा है। अंडर थाई सपोर्ट, वाह भाई, ये देखो उंगली लगाने की ज़रूरत ही नहीं, पूरा टच हो रहा है, ये देखो बिल्कुल प्रॉपर, अगर मैं 90 पे बैठूँ टच है। और क्या सॉफ्ट सीट है भाई, मान गए। और ये देखो पीछे की तरफ आर्मरेस्ट कंपनी ने दिया है, पीछे वाले बंदे भी इजीली इस पे हाथ रख के बैठ सकते हैं। हेडरेस्ट एडजस्टेबल हेडरेस्ट है पीछे की तरफ दोनों ही। ये देखो इस साइड से डोर ट्रिम कुछ ऐसी, और पीछे वालों के लिए इसमें एसी भी प्रोवाइड किया, और वहीं पे यहाँ देखो स्टोरेज भी काफ़ी अच्छी दी है। और नीचे की तरफ अगर फ्रेम में आएगा तो ये देखो 12 वोल्ट का सॉकेट भी है भाई, फीचर में भी कहीं कम नहीं है स्कॉर्पियो। और ये नीचे की तरफ देख लो, हम्प बिल्कुल छोटा सा है, 3 आदमी इजिली बैठ जाओ, चौड़ाई देख के भाई 4 बैठा दूंगा मैं तो इसमें, कोई टेंशन नहीं है। पीछे की तरफ दो कुछ ऐसा लुक पीछे की तरफ हमें देखने को मिलता है। और डैशबोर्ड की लुक देखनी है पीछे से, तो आप ये देखो कुछ इस तरीके की हमें डैशबोर्ड की लुक पीछे से इसमें देखने को मिलती है। तो बूट मैंने आपको इसमें दिखा दिया था, उसको खड़ी कर दे तो ज़्यादा इतनी गैप है नहीं अगर प्रॉपर इंसानों को बिठाएं तो। अब मैं आपको इसका हुड खोल के इसका इंजन दिखा देता हूँ, तो चलते हैं इसके हुड की तरफ। भाई उतरने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, पैर रख के उतरना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट नहीं उतर सकते आप इसमें से। ये हमने ओपन किया और यहाँ से हमने ये भाई, अरे तो कुछ और ही खुल गया यार। और भाई स्टेयरिंग तो बताना भूल गया था, इसमें स्टेयरिंग एडजस्टेबल भी है, जो कि हमें सिर्फ टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक इसके अंदर हमें देखने को नहीं मिलता। दोस्तों हमने इसका बोनट ओपन कर लिया, और ये चीज़ जो कि स्कॉर्पियो एन के अंदर हमें काफ़ी महसूस होती है, हाइड्रोलिक स्टड जो कि कंपनी इसमें हमें देती है। अब इसके इंजन की बात करें तो 4 सिलेंडर 2200 cc का एम होक का इंजन इसमें हमें देखने को मिलता है। ये इंजन हमें 120 bhp की पावर और 280 Nm का टॉर्क निकाल के देता है, और इतनी टॉर्क की और पावरफुल इंजन के साथ भी हमें 15 से 16 km/l तक की माइलेज इजीली निकाल के दे देगा। और जिस टाइम भी स्कॉर्पियो आते थे उस टाइम भी इसमें ABS और EBD दोनों ही हमें देखने को मिलते थे, सिर्फ ESP की कमी थी, वो भी अब स्कॉर्पियो क्लासिक में कंपनी ने पूरी कर दी है। तो ये कुछ इस तरीके की थी हमारी स्कॉर्पियो S10। तो ये थी स्कॉर्पियो S10 और इसका व्यू लुक मैंने सब कुछ आपको दिखा दिया। और ये एस्टीमेट इसका प्राइस है 16 लाख रुपए, एक्सशोरूम आपको इजीली देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप इसको देख के भी S11 जो नई स्कॉर्पियो है वो ख़रीदना चाहते तो इजीली ख़रीदे, ये लगा ले, बिल्कुल सेम ही है, कोई अलग चीज़ इस पर है नहीं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, मैं और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।